अब बात दरभंगा की, जहां एक पुल अपने अनोखे नाम की वजह से सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है सिवाय शासन प्रशासन के, क्योंकि 6 लाख की लागत में ग्रामीणों ने खुद इस चचरी पुल का निर्माण कराया है, लेकिन बारिश के बाद पुल पानी में डूब जाता है। ऐसे में करीब 7 दशक से यहां के ग्रामीण शासन प्रशासन से स्थायी पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांग पर आज तक सुनवाई नहीं हुई। दरभंगा में अंबानी पुल बनकर तैयार हो गया है। नाम भले ही अंबानी पुल है, लेकिन इस पुल का अंबानी या अडानी से कोई नाता नहीं, क्योंकि इस पुल का निर्माण ग्रामीणों ने कराया है। केंद्र से लेकर राज्य तक कई सरकारें आई और गई, विधायक बदले, सांसद भी बदले, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो है किरतपुर प्रखंड की तस्वीरें, जहाँ के लोगों को आजादी के 75 सालों के बाद भी एक पुल तक नसीब नहीं हुआ। शासन और प्रशासन के दावे तो बहुत आए, लेकिन जमीनी स्तर पर आते आते दावों ने अपना दम तोड़ दिया। जब शासन और प्रशासन से मोह भंग हुआ तो ग्रामीणों ने अपनी समस्या का निदान करने की खुद ही ठान ली और इस तरह निर्माण हुआ अंबानी पुल का। पुल का नाम भी शायद शासन और प्रशासन के दावों पर तंज कसने के लिए रखा गया है। अभी चचरी पुल बन जाने से लोग मिनट में पूरी नदी पार कर जाते हैं। किसी तरह का अगर कोई इमरजेंसी हुआ तो भी लोगों को आने में सुविधा है इस रास्ते से। आप देख रहे होंगे कई लोग मवेशी लेके, मवेशी के चारे के लिए भी उधर जाते हैं और लेके चले आते हैं। पुल बनने से लोगों को काफ़ी सुविधा हुई है यहाँ, और करीब आसपास में 4 जिले से जुड़ा हुआ गांव, सभी जिले के गांव में लोगों का आना जाना लगा रहता है। पुल तो बन गया है, लेकिन ये भी स्थायी नहीं है। चचरी पुल होने के चलते ज्यादा बारिश होने पर पुल नदी में डूब जाता है, जिसके बाद लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल ग्रामीणों के पास कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि बिना पुल के आवाजाही ठप हो जाती है। नदी पार करने के लिए सिर्फ नाव का ही सहारा होता है, वो भी रात 9 बजे के बाद बंद हो जाता है। ऐसे में इमरजेंसी आने पर लोग लाचार हो जाते हैं, इसलिए ग्रामीणों ने 6 लाख की लागत से खुद ही श्रम दान कर पुल का निर्माण कराया है, ताकि कुछ दिनों के लिए आवाजाही कुछ सुलभ हो सके। नाव से आना जाना पहले रहता था, लेकिन नाव में भी क्या कि वो जैसे 8 बजे 9 बजे रात के बाद नाव बंद हो जाता है, उसके बाद कोई इमरजेंसी हुआ तो आदमी फंसा रहेगा। तो चचरी पुल से खेती बाड़ी किसानों के लिए भी बहुत मतलब अच्छा है, ताकि अपना खेत पे गया, अपना जो भी खेती का काम है वो अपना काम करके फसल को देख के फिर वापस समय पर घर लौट के वो आ सकते हैं। सर ऐसे तो बहुत फायदा है, 6 लाख रुपया लागत लगा के पुल बने लिए हैं। पुल अहाँ सब कते लागत में के सहयोग, ग्रामीण के सहयोग मिल रहे की बन रहे केना बने? नहीं, अपने सहयोग से बनल छे, बीरचंद छे आ गंगाराम जी छे, दोनों आदमी अपने सहयोग से बनेलके। आइ में कोनो चार्जो ले छी अहाँ सब? हाँ सर, चार्ज ले छी। जे सहयोग कोनो फिक्स नहीं छी, जे जे दे छी अपन जे दे छी ओकर ले छी, जे नहीं दे छी वो जाय छी, जे दे छी ओकर। गौरतलब है कि इस चचरी पुल से होते हुए दरभंगा के अलावा सहरसा, मधुबनी जिले के दर्जनों गांव की करीब 50,000 की आबादी आवाजाही करती है। 250 मीटर लंबे इस पुल को पार करने के लिए मोटरसाइकिल सवार से 20 रुपए और साइकिल सवार से 10 रुपए तक लिए जाते हैं। वहीं पैदल सवार के लिए बिल्कुल फ्री है, यानी कुल मिलाकर जो काम स्थानीय जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए वो खुद ग्रामीण कर रहे हैं। चचरी पुल तो बना लिया गया है, बावजूद माननीय जनप्रतिनिधि कोई स्थायी पुल बनवाने के लिए पहल भी नहीं कर रहे हैं। दरभंगा से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार, झारखंड।